नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूर्वी शुक्ला और आप देख रही हैं बोल स्काई। आजकल हर घर में पेट्रोलियम जेली आम है। सदियों से इसका प्रयोग किया जा रहा है। ये कॉस्मेटिक नहीं है लेकिन टॉपिकल ऑइंटमेंट का एक रूप है। त्वचा से जुड़ी हर छोटी बड़ी समस्या जैसे फटी हुई त्वचा, स्किन रैशेस या अल्सर के लिए लोग पेट्रोलियम जेली का ही इस्तेमाल करते आ रहे हैं। हालांकि ये हर जगह उपलब्ध है और सभी उम्र के लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ वैज्ञानिक स्टडी के मुताबिक ऐसे कई कारण हैं जिनके अनुसार हमें पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसलिए आज इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि त्वचा पर पेट्रोलियम जेली लगाने से क्या नुकसान हो सकते हैं। दवा कही जाने वाली पेट्रोलियम जेली से त्वचा को किसी भी तरह का पोषण नहीं मिलता है। इसमें कोई हीलिंग और औषधीय यौगिक नहीं होते हैं। अगर त्वचा साफ या मॉइस्चराइज नहीं हो तो पेट्रोलियम जेली लगाने का कोई फायदा नहीं है। ये रूखी त्वचा पर बेअसर हो जाती है। अगर आप रोज पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी त्वचा प्राकृतिक मॉइस्चराइजर को खो सकती है। पेट्रोलियम जेली गुमराह करने का काम करती है। ये जेली तेल का बाय प्रोडक्ट है। हालांकि आजकल ये डिस्टिल्ड और रेंडर की जाती है जो कि रंगहीन और सुगंध रहित हो जाती है। पेट्रोलियम जेली को त्वचा पर लगाने का मतलब है कि आप पेट्रोल का बाय प्रोडक्ट लगा रहे हैं। फटी और रूखी त्वचा के लिए पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल बहुत किया जाता है। ये मोटा जेल त्वचा के मॉइस्चर को रोक देता है। ये त्वचा को बाहरी चीजों जैसे पानी, बैक्टीरिया और हवा से सुरक्षित रखता है। ऐसा पाया गया है कि पेट्रोलियम जेली एक हाइड्रोफोबिक शील्ड है। इसका सबसे बड़ा नुकसान यही है कि इसे लगाने पर त्वचा सांस नहीं ले पाती है। मार्केट में ऐसे कई उत्पाद उपलब्ध हैं जिनका प्रयोग आप पेट्रोलियम जेली की जगह पर कर सकते हैं या फिर घर पर ही बना सकते हैं। आपको इसके अन्य विकल्पों के बारे में सोचना चाहिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम जल्द लौटेंगे ऐसी ही जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए बोल स्काई।